देखते हैं गोकू वेजिटा ब्रोली ने मुकेटो को हरा दिया था और वो जेनोसामा के प्लेस पे जाते हैं। और जब वो जेनोसामा के प्लेस पे पहुंचते हैं तो उन्हें ग्रैंड फिस्ट के अलावा कोई नहीं दिखाई देता और ग्रैंड फिस्ट की भी हालत ठीक नहीं लग रही थी, वो काफी ज्यादा घायल थे। गोकू ये देखकर कहता है, ग्रैंड फिस्ट आपके साथ क्या हुआ, आखिर यहाँ क्या चल रहा है, जेनोसामा कहाँ है। ग्रैंड फिस्ट कहते हैं, गोकू ब्रोली वेजिटा अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, उन्होंने हम पर हमला कर दिया और उनके साथ वो डीमन भी था जिसे तुम सबने मिलकर हरा दिया था, फिर वो जिंदा कैसे बच गया। और वो जेनोसामा को भी अपने साथ ले गए, पता नहीं उनका क्या इरादा है और आगे वो क्या करने वाले हैं। गोकू कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं ग्रैंड फिस्ट, उस डीमन को तो मैंने खुद मार दिया था, फिर वो यहाँ पर हमला कैसे कर सकता है, वो आपको और जेनोसामा को एक साथ नहीं हरा सकता। ग्रैंड फिस्ट कहते हैं, तुम सही कह रहे हो गोकू, लेकिन उनके साथ दो लोग और थे। गोकू कहता है, अब ये क्या मुसीबत आ गए, उन्होंने अब किसे आजाद कर दिया। तभी ब्रोली कहता है, ग्रैंड फिस्ट फिर उन्होंने इतने दिनों बाद हमला क्यों किया। वेजिटा कहता है, शायद हो सकता है वो किसी प्लान के तलाश में हो और उन्हें अच्छा मौका मिल गया होगा और उन्हें सही समय मिल गया होगा और इसका फायदा उठाकर उन्होंने हमला कर दिया और वो जेनोसामा को अपने साथ ले गए। ग्रैंड फिस्ट कहते हैं, हाँ वेजिटा शायद सही कह रहा है, हो सकता है वो सही समय का इंतजार कर रहे थे और उन्हें वो मिल गया और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। गोकू कहता है, फिर तो हमें जेनोसामा को जल्दी ढूंढना होगा वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ग्रैंड फिस्ट कहते, तुम सही कह रहे हो गोकू, लेकिन उससे पहले जेनोसामा की जगह किसी को लेनी होगी। मैं चाहता हूँ गोकू तुम और ब्रोली ये जगह लो, क्योंकि जेनोसामा की जगह तुम अकेले नहीं ले सकते। अब मैं जानता हूँ तुम दोनों मिलकर ये कर सकते हो और वेजिटा भी तुम्हारे साथ है, इसलिए मैं चाहता हूँ जेनोसामा को ढूंढने से पहले तुम इस मल्टीवर्स के बारे में जानो और एक ओमनी किंग का क्या काम होता है उसे भी जानो। गोकू कहता है, ग्रैंड फिस्ट लेकिन हम ये कैसे करेंगे, हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। ग्रैंड फिस्ट कहते हैं, ये तुम जल्दी समझ जाओगे गोकू। इसके बाद ग्रैंड फिस्ट गोकू और ब्रोली को पूरे यूनिवर्स के बारे में बताते हैं और ओमनी किंग का मल्टीवर्स में क्या काम होता है वो भी बताते हैं, उनको काफी नई नई टेक्निक भी सिखाते हैं और अपनी पावर को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये भी बताते हैं। और हम देखते हैं कई दिन बीत जाते हैं, गोकू और ब्रोली ओमनी किंग बनने के लायक हो गए थे। इसके बाद गोकू कहता है, ठीक है ग्रैंड फिस्ट, अब हम उस लायक हो गए हैं कि उन डीमंस का मुकाबला कर पाए, तो अब हमें जेनोसामा को ढूंढना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपने हमें ये क्यों नहीं सिखाया। ग्रैंड फिस्ट कहते हैं, पहले तुम उस लायक नहीं थे गोकू, अब ब्रोली का भी अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं था, पर वो वक्त अब आ चुका था इसलिए मैंने तुम्हें ये सब सिखाया। गोकू कहता है, मैं समझ गया ग्रैंड फिस्ट, इसके लिए बहुत शुक्रिया और अब हमें चलना चाहिए, चलो वेजिटा और ब्रोली, ये कहकर वो जेनोसामा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड फिस्ट मन ही मन कहते हैं, तुम सब अपना ध्यान रखना, सब कुछ अब तुम पर टिका है और सब कुछ अब तुम्हें ही ठीक करना होगा। हम देखते हैं गोकू वेजिटा ब्रोली जेनोसामा को पूरे मल्टीवर्स में ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। गोकू कहता है, आखिर वो जेनोसामा को कहां ले जा सकते हैं, मुझे उनकी कोई की भी महसूस नहीं हो रही। वेजिटा कहता है, क्या करोट, हो सकता है वो इस मल्टीवर्स में ही ना हो। गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा। ब्रोली कहता है, शायद वेजिटा ठीक कह रहा है गोकू, इस तो बात है जो ग्रैंड फिस्ट ने हमें नहीं बताया और वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें याद ही होगा जब पिछली बार हम उस डीमन को मारने गए थे तो विश और लॉर्ड बीरस हमारे साथ थे और उन्होंने हमें रास्ता बताया था और उस डीमन के पास ले गए थे, पर इस बार ग्रैंड फिस्ट ने हमारे साथ किसी को भी नहीं भेजा और ना ही हमें ये बताया है कि जेनोसामा आखिर कहाँ है। बस उन्होंने ये कहा कि वो डीमन और उनके साथ दो लोग और थे जो जेनोसामा को ले गए और वो दो लोग कौन थे हम उनके बारे में नहीं जानते। गोकू कहता है, ये तुम सही कह रहे हो ब्रोली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जीटा कहता है, तो अब हम क्या करें, क्या करोट, क्या दोबारा हम ग्रैंड फिस्ट के पास जाएं। तभी वहां पर एक शख्स आ जाता है और कहता है, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है मोर्टल, या मेरे फादर ने तुम्हें भेजा है, मैंने उन पर तरस खाकर उन्हें जिंदा छोड़ दिया लेकिन वो मुझे मारने के लिए तुम लोगों को भेजा है। गोकू कहता है, हमें ग्रैंड फिस्ट ने किसी को मारने के लिए नहीं भेजा और ये तुम क्या कह रही हो, वो तुम्हारे फादर है। वो शख्स कहता है, क्या मेरे फादर ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, मेरा नाम मरनो है और मैं भी एक एंजल हूँ, पर मैं बाकियों से अलग था और मैं बहुत ज्यादा ताकतवर था और ये बात मेरे फादर को हजम नहीं हुई और उन्होंने मुझे उस डायमेंशन कैब में बंद कर दिया, तो मुझे जल्दी बताओ तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। गोकू कहता है, हम जेनोसामा को लेने आए हैं, क्या वो तुम्हारे पास है। मरनो कहता है, तुम इस बारे में भूल जाओ, वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। वेजिटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो और जितना हमने पूछा है बस उतना बताओ, वो कहाँ है, और ना तुम बेवजह ही मर जाओगे। मरनो कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे।
तुम्हें सच में मेरे फादर ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, वरना तुम ऐसी बातें नहीं करते। जैनो सामा भी मुझे नहीं हरा पाए तो फिर तुम क्या चीज हो? ब्रोली कहता है, सच में तुम बहुत बकवास करते हो। और ये कहते ही वो मरनो पर हमला कर देता है। मरनो उसके हमले को टॉच करता है, अब ब्रोली पर हमला करता है, लेकिन ब्रोली भी उसके हमले को टॉच कर देता है। मरनो ये देखकर कहता है, लगता है मेरे फादर ने तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दी है, तभी तुम मुकेटो को हरा पाए। मुझे लगा था वो तुम सबको खत्म कर देगा, पर शायद अब मुझे लगता है कि तुम सब ने मिलकर मुकेटो को मार दिया। उस डेमन किंग ने मुझसे सही कहा था, तुम काफी पावरफुल हो। और तभी ब्रोली उस पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे मरनो काफी दूर जाकर गिरता है और फौरन खड़ा हो जाता है और कहता है, ना समझ कहीं के, पूरी बात भी नहीं सुनते। और अचानक से ब्रोली के पास आ जाता है और कहता है, मैं तुमसे कुछ कह रहा था मॉडल, पर तुमने बीच में ही मुझ पर हमला कर दिया। शायद मेरे फादर ने तुम्हें तरीका नहीं सिखाया और मैं वो तुम्हें सिखाऊंगा। और ये कहते ही मरनो ब्रोली पर एक जोरदार हमला करता है, जिसे ब्रोली डर से चिल्लाने लगता है। गोकू ये देखकर कहता है, ब्रोली। वेजिटा भी ये देखकर कहता है, आखिर ब्रोली को क्या हुआ? और हम देखते गोकू बीच में जाकर मरनो पर हमला कर देता है, कहता है, मेरे भाई ब्रोली से दूर रहो। मरनो कहता है, तुम्हारा भाई बहुत बदतमीज है और मुझे तरीका सिखा रहा था, पर तुम भी वैसे ही हो। और ये कहने के बाद वो गोकू पर भी हमला करता है, जिससे गोकू भी थोड़ा दूर जाकर गिरता है। वेजिटा कहता है, कैकरोट, इसे हराने के लिए तुम अपनी ताकत इस्तेमाल करनी होगी, तुम इसे ऐसे ही नहीं हरा पाओगे। तुमने सुना नहीं, वो ग्रैंड प्रिस्ट का बेटा है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। गोकू कहता है, तुम सही कह रहे हो वेजिटा। ये कहने के बाद गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में चला जाता है। मानो ये देखकर कहता है, अरे वाह, क्या बात है, तुमने इस ताकत को अचीव कर दिया है और उसे मास्टर भी कर दिया। सच में तुम तो काफी कमाल के हो मॉडर्न। मरनो जैसे ये कहता है, उसे एक जोरदार पंच महसूस होता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। मरनो कहता है, वाह क्या बात है, तुम तो काफी तेज हो गए, पर मेरे पास भी तुम्हें कुछ दिखाने को है। ये कहने के बाद मरनो अपनी पावर को रिलीज करता है और एक अलग सा डायमेंशन बना देता है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली कहते हैं, अब हम ये कहाँ आ गए? गोकू कहता है, ये तुमने क्या किया मरनो? मरनो कहता है, ये मेरी ताकत का एक छोटा सा नमूना है और जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा तुम किसके सामने खड़े हो। ये सुनकर गोकू बहुत गुस्सा हो जाता है और मरनो पर हमला कर देता है, पर अचानक से वो बीच में रुक जाता है। उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। मरनो ये देखकर कहता है, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? ब्रोली और वेजिटा ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या करोट के साथ क्या हुआ? तभी मरनो कहता है, बेवकूफ, ये मेरी ताकत से बनाई हुई एक जगह है और जैसा मैं चाहूंगा यहाँ वैसा ही होगा। तो उम्मीद है मेरी बात अब तुम सबको समझ आ गई होगी, तुम सब अब कुछ नहीं कर सकते। मरनो की ये बात सुनकर वेजिटा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है, इस वजह से मरनो का पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। ये देखकर मरनो एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है, कहता है, ये मॉडल ऐसा कैसे कर पा रहा है? और हम देखते हैं वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो की थर्ड फॉर्म में आ जाता है। मरनो ये देखकर कहता है, क्या इसने इस ताकत को हासिल कर लिया है? इसका मतलब ये मॉडल अपनी पावर को मुझसे छुपा रही थी। और हम देखते हैं वेजिटा की पावर अपने आप कम हो जाती है, वो अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा कहता है, ये क्या हुआ, मेरी पावर अचानक से इतनी कम कैसे हो गई? ब्रोली ये देखकर कहता है, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है वेजिटा? वेजिटा कहता है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा ब्रोली। तभी मरनो हंसते हुए कहता है, क्योंकि अब तुम सब मरने वाले हो।